हाय गाइस, तो आज हम सेवन स्टैंडर्ड का मराठी का फर्स्ट पोयम करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना आप सबको मालूम है क्या है? प्रार्थना यानी कि प्रेयर, जो हमें रोज़ करनी चाहिए, जो हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है। रोज़ सुबह आप असेंबली में या फिर आपकी प्रार्थना होती रहेगी हर एक स्कूल में, तो उसी के ऊपर ये पूरी पोयम है। बहुत ही अच्छी पोयम है और मैं चाहता हूँ आप सब इस पोयम पर ध्यान दें। बहुत ही इजी पोएम है प्रार्थना। हम सभी सुबह उठकर हम करते रहेंगे और हमें करनी चाहिए भगवान को, क्योंकि उसने हमें इतनी सुंदर वर्ल्ड में, इतनी सुंदर दुनिया में हमें क्रिएट किया है और हमें और एक दिन जीने का मौका दिया है। उसके लिए हमें हर रोज़ भगवान को थैंक्स कहना चाहिए और थैंक्स हम भगवान को प्रार्थना के ज़रिए से ही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को, प्रार्थना यानी कि प्रेयर। ऐका वाचा म्हणा, ऐका यानी कि सुनिए, टू इयर। वाचा वाचा यानी कि पढ़िए, पढ़ना, टू रीड। और म्हणा म्हणा मीन्स बोलना, टू स्पीक। तो अब हम पोयम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे पोयम में फोटो भी दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में है और वो सभी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम पोयम से। नमस्कार, माझा या ज्ञान मंदिरा सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरा। नमस्कार, नमस्कार यानी ग्रीट करना। नमस्कार जैसे हम किसी को करते हैं, कि जब हमें कोई भी बड़ा आदमी या आपको किसी किसी भी आप रिस्पेक्टेबल पर्सन को नमस्कार यानी ग्रीट करना, आप उसे मिलने के बाद ग्रीट करते हैं, नमस्ते कहते हैं, तो वही है नमस्कार। माझा या ज्ञानशाला, ज्ञानशाला ज्ञान यानी कि नॉलेज, और मंदिर, मंदिर यानी कि टेम्पल। आप सबको मालूम है कि कौन सी है वो प्लेस जहाँ पे नॉलेज मिलता है, कौन सा है वो मंदिर जहाँ नॉलेज मिलता है, और वो है हमारे स्कूल। स्कूल एक नॉलेज का टेम्पल है। सत्यम शिवम सुंदरा, सत्यम यानी कि सत्य, ट्रुथ, हमेशा हमें सच ही बोलना चाहिए। शिवम यानी कि रिलीजियस, एक डिवोटिनेस भगवान के लिए, भगवान के लिए हमारी प्रार्थना, मानना कि भगवान है, भगवान के लिए हमारी आस्था, भक्ति, उसे कहते हैं शिवम। और सुंदरा, सुंदरा यानी कि ब्यूटीफुलनेस, हम कहते हैं, हम मानते हैं कि इस वर्ल्ड में जो भी क्रीचर है वो सभी सुंदर है, वो सभी ब्यूटीफुल है, तो वही यहाँ पे लिखा है सत्यम शिवम सुंदरा। सत्य यानी ट्रुथ, शिवम यानी कि रिलीजियस, सुंदरा यानी कि ब्यूटीफुल। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट स्टैंजा, पहले दो लाइन हमारे हो गए हैं। शब्द रूप शक्ति दे, शब्द रूप शक्ति दे, भाव रूप भक्ति दे। शब्द रूप शक्ति दे यानी हमारे जो वर्ड्स है उन्हें तू शक्ति दे, शक्ति यानी पावर, उन्हें तू ताकत दे। हम जो कुछ भी कहते हैं, हम जो कुछ भी प्रॉमिस करते हैं, उसे पूरी करने की हमें शक्ति दे, ऐसा हम भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। भाव रूप भक्ति दे, भाव यानी इमोशंस, जो हमारे प्रेयर है उसमें भक्ति दे, मतलब हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना करें। हमें सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान के लिए को प्रेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं या आपके टीचर्स कह रहे हैं सिर्फ इसलिए हमें प्रेयर करना चाहिए, लेकिन आपको सच्चे दिल से भगवान को याद हर रोज करना चाहिए। प्रगति चे पंख दे चिमन पाखरा, प्रगति चे पंख दे चिमन पाखरा यानी प्रोग्रेस, प्रगति यानी प्रोग्रेस, जो भी हम प्रोग्रेस करते हैं, पंख पंख यानी फेदर्स, दे चिमन पाखरा, चिमन पाखरा यानी छोटे बच्चों को, जैसे आप है, आप भगवान से रोज, आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं हर रोज प्रगति करूँ, प्रगति यानी प्रोग्रेस करूँ हर रोज। आज अगर मेरे कुछ 50 मार्क्स आते हैं तो मुझे हर रोज ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए कि कल मैं 60 मार्क्स लाऊँ,
और ऐसी हमें हर रोज प्रगति करनी चाहिए। तो वही बताया गया है कि मुझे प्रगति करने के पंख दे, पंख मतलब फेदर्स दे, इस चिमन पाखरा को तेरा, जो मैं चिमन पाखरू हूँ, जो मैं तेरा छोटा बच्चा हूँ, उसे तू पंख दे। किसके पंख? प्रगति के पंख दे। विद्या धन दे आम्हास, हमें विद्या का धन दे। विद्या का धन मतलब हमें नॉलेज का जो धन है, वेल्थ ऑफ नॉलेज, नॉलेज का वेल्थ, वो तू हमें दे। विद्या धन यानी वेल्थ ऑफ नॉलेज, जितना भी नॉलेज है वो सब हमें लेते रहना चाहिए। एक छंद दे एक ध्यास दे, एक छंद दे मतलब हमें एक हॉबी दे, कुछ तो हमारे अंदर एक ऐसा टैलेंट दे, एक हॉबी दे जिसे हम फॉलो कर सके। एक ध्यास दे, एक ध्यास यानी कि हमारे लाइफ में कुछ तो एक एम दे हमें, एक टारगेट दे। नाव नई पहल तिरी दया सागरा, नाव नाव यानी कि बोट, जो हमारी नैया है लाइफ की, नैया नैया यानी बोट। नई पहल तिरी दया सागरा, उसे पहलते हुए, पहल मतलब तू उस बोट पे, हमारा जो बोझ है, जो हमारा वेट है, वजन है, उसे पहलते हुए, उसे स्ट्रेंथ दे उस बोट को हमें उठाने की और उस बोट को किनारे तक ले जाने की। नई पहल तरी दया सागरा यानी सी ऑफ मर्सी, सी ऑफ मर्सी के किनारे हमारे बोट को लेके जा, ऐसा हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। हो आमी नीतिमंत मतलब मैं तुझे प्रार्थना में बताता हूँ कि मैं नीतिमंत हो जाऊँगा। नीतिमंत मतलब फुल ऑफ प्रिंसिपल्स, मैं कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करूँगा कि अगर कोई चीज़ बुरी है, अगर कोई चीज़ मुझे मेरे टीचर्स या मेरे पेरेंट्स बताते हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को कभी नहीं करूँगा। मैं कुछ मेरे गोल सेट करूँगा कि मुझे रोज़ 5 घंटा पढ़ाई करनी है और वो मैं हर रोज़ करने को ट्राई करूँगा। ऐसा मैं पूरी तरह से अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बन जाऊँगा। कला गुणी बुद्धिमंत, कला गुणी मतलब मेरे में ऐसी कोई आर्ट दे, आर्ट कला मतलब सबको मालूम है, एक आर्ट मेरे शरीर में, मुझे तू एक आर्ट दे, उस आर्ट से मैं बुद्धिमंत यानी इंटेलिजेंट हो जाऊँगा, होशियार हो जाऊँगा। जैसे आप देखते हैं कि किसी में सिंगिंग का टैलेंट रहता है, किसी में डांसिंग का रहता है, कोई अच्छा खेलता है, तो कोई अच्छे से पढ़ाई करता है, तो आपका जिसमें भी मन हो उस चीज़ को आपको फॉलो करना ही चाहिए। और हर किसी में कोई ना कोई तो ऐसा टैलेंट होता ही है जो जिसे वो बहुत ही प्यार करता है उस टैलेंट से, और जो उसमें बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है उस टैलेंट में, तो आपको उस टैलेंट को फॉलो करना चाहिए और उसको और बेहतरीन, उसको उसमें और प्रोग्रेस करना चाहिए। कीर्तिचा कळस जाए उंच अंबरा, कीर्तिचा कळस यानी कीर्ति यानी फेम। आप मेरा नाम जो आप सबको लगता है, सभी को लगता है कि मेरा नाम पूरी दुनिया में होना चाहिए, सब लोग मुझे पहचाने, ऐसा हम सभी को लगता है, तो वही कीर्ति यानी फेम। कीर्तिचा कळस जाए उंच अंबरा, कळस यानी पीक, जो मेरा कीर्ति का जो पीक है, जो हाइनेस है मेरी कीर्ति। अंबरा यानी स्काई, कळस जाए उंच अंबरा, मेरी जो कीर्ति है वो पूरे आसमान तक जानी चाहिए। कळस उस पीक, मेरा जो फेम का पीक है वो आसमान तक छूना चाहिए, ऐसा इस कविता में कहा है। बहुत ही इजी कविता है और आपको समझ में आ गई होगी ये पोयम। आप देख सकते हैं इस फोटो में भी दिखाया है कैसे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं अपने आँख बंद करके, पूरी मन से वो प्रेयर कर रहे हैं, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। तो अब नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है पोयम का, यहाँ पे लेखक का नाम दिया है जगदीश खेबुड़कर, 1932 ते 2011।
1932 में ये बॉर्न हुए थे और 2011 में ये इनकी डेथ हो गई। प्रसिद्ध मराठी साहित्यिक, गीतकार, मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे। प्रसिद्ध यानी फेमस, फेमस मराठी साहित्यिक, वो बहुत ही फेमस मराठी साहित्य लिटरेचर लिखते थे। गीतकार यानी कि सिंगर, वो बहुत ही फेमस राइटर और एक सिंगर थे। मराठी चित्रपट सृष्टीसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे। मराठी चित्रपट सृष्टि मतलब मराठी पिक्चर सिनेमा के लिए, जो मराठी फिल्म्स आप टीवी पे देखते हैं उनके लिए भी उन्होंने बहुत प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले। प्रमाणावर मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने गीत का लेखन, लिरिक्स लिखा है उन्होंने। गीतांचे लेखन यानी लिरिक्स लिखना। उन्होंने बहुत सारे मराठी मूवीज में गानों का लिरिक्स लिखा है। विविध कथा व नाटके प्रसिद्ध, विविध मतलब बहुत सारे कथाएं, बहुत सारे स्टोरीज, कथा यानी स्टोरी, नाटके, नाटके मतलब एक्ट, नाटक यानी कि एक्ट। विविध कथा व नाटके प्रसिद्ध, उनके बहुत सारे स्टोरीज और नाटक है, एक्ट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रस्तुत प्रार्थनेतून शाळेविषयी प्रेम, जिव्हाळा व कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केली आहे। प्रस्तुत प्रार्थनेतून, प्रस्तुत जो प्रार्थना हमें प्रस्तुत की है, जो प्रार्थना हमें इस लेसन में, इस बुक में दी है, उस पोयम में, उस प्रार्थना में शाळेविषयी प्रेम, स्कूल के लिए हमारा प्यार, प्रेम यानी प्यार, स्कूल के लिए जो हमारा प्यार है। जिव्हाळा, जीव है, जिव्हाळा मतलब अपनापन, जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, स्कूल इज अ सेकेंड होम, स्कूल तो अपना ही होता है, इसलिए आप अपने डाउट्स वहाँ पे क्लियर करते हैं। जिव्हाळा यानी अपनापन। व कृतज्ञतेची, कृतज्ञतेची यानी एक अटैचमेंट, अलग से एक प्यार है, एक अटैचमेंट है हमें स्कूल से। वही भावना, भावना यानी इमोशंस व्यक्त के लिए आहे। इस पार्ट में जो हमारा प्रेम है, जो हमारी अटैचमेंट है, उसे व्यक्त की गई है इस चैप्टर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोयम पसंद आई होगी, आपको ये पोयम समझी होगी। बहुत ही इजी पोयम है, कुछ इजी एथिक्स है लाइफ के इस पोयम में बताए गए हैं आपको, कि कैसे आपको रहना है, कैसे आपको भगवान को नहीं भूलना है जिसने इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरे इंसानों को, सभी चीज़ों को बनाया है। और हमें हमेशा से ही भगवान को थैंकफुल रहना चाहिए कि हमें इस सुंदर सी दुनिया में जन्म देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।